सोमवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने भी संसद की ओर कूच किया था, लेकिन पहलवानों का विरोध सरकार से सहन नहीं हुआ और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। उसके बाद जंतर मंतर में लगे उनके सभी तंबू भी उखाड़ दिए और देर रात पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जिन पहलवानों की शिकायत पर पुलिस BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR लिखने को तैयार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में जब पहलवान पहुंचे तब FIR लिख ली गई। लेकिन जब पहलवानों के खिलाफ FIR लिखने की बारी आई तो आनन फानन में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि पहलवानों का धरना कल ही समाप्त हो गया। पुलिस कार्रवाई से नाराज विनेश फोगाट ने कहा है कि क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है, सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों का दावा है कि उनका धरना समाप्त नहीं हुआ। 23 अप्रैल से धरने में शामिल पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर ही धरना जारी रखने की जिद पर अड़े हैं। दूसरी ओर दिल्ली डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुमन नलवा ने कहा कि अगर पहलवान आवेदन देते हैं तो वो दिल्ली में दूसरी जगह धरना दे सकते हैं। इस बीच देश के किसान पहलवानों के समर्थन में सामने आ गए हैं। जींद में खापों और किसानों ने पंचायतों की ओर से घोषणा की है कि वो दिल्ली को दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की आपूर्ति बंद कर देंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को भी चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। किसानों के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई